ये मेटल्स के बारे में बात करते हैं। मेटल में भी लोग कह रहे हैं कि शायद 2024 मेटल का साल हो सकता है। इनफैक्ट हमने देखा बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, हिंडाल्को जो है नॉवेलिस्ट को लिस्ट करना चाहता है। वेदांता ने एक समय में डेट का इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, 260 तक चला गया था, अब पैसा रेज कर रहे हैं, सब चीज़ें बदल गई, बट स्टील में भी काम हो रहा है। वहाँ भी एक तो मेटल इंडेक्स के बारे में बताएं और फिर अपनी प्रेफरेंस। देखिए हाँ, लोग तो अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि बाजार में अच्छी तेजी आई है, बट एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर आई थिंक हम लोग ने दो ट्रेड बताया था। हमने ये कहा था कि 2024 विल बी द ईयर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, एंड वी ऑल्सो से 2024 विल बी अ ईयर जहां मेटल्स कैन बी अ डार्क हॉर्स कैंडिडेट। तो पिछले 4 महीनों में तो इतनी अच्छी तेजी आई है, इट्स कॉट अ लॉट ऑफ पीपल बाय सरप्राइज, क्योंकि फंडामेंटल टेलवेंड 2 महीने पहले नहीं था, अब है। बिकॉज ऑफ द चाइना रिकवरी देर आर फैक्टर्स जिसके बेसिस पे लोग बात कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि यहां से भी मेटल्स इंडेक्स में 1000 पॉइंट की तेजी आएगी, तो 10,700 तक मेटल्स इंडेक्स जा सकता है। हमारा फेवरेट है JSPL, जो हमने एक 1.5 महीना पहले कवर किया था एज वन ऑफ आर लॉन्ग टर्म पिक्स, और मुझे लगता है कि JSPL में यहां से 20 से 25% की तेजी और आ सकती है। दिस विल बी फॉलोड बाय सेल ऑन एल्को, जहां पर PSU एंगल भी है और मेटल्स एंगल भी है, हमारे फेवरेट्स रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि यहां से भी इनमें 20 से 25% की तेजी आराम से आ सकती है। टाटा स्टील एक डार्क हॉर्स कैंडिडेट हो सकता है, इट इज ऑलवेज ड्यू फॉर अ रैली, और हो सकता है कि अगले 6 महीनों में हम टाटा स्टील को 200 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखें। और JSW स्टील और वेदांता में भी मुझे ज्यादा डाउनसाइड नहीं लगती है। तो आपका पोर्टफोलियो का अच्छा पोजीशन आई थिंक मेटल्स में होना चाहिए, मोमेंटम अच्छी है, कल बाजार चला तो देखिए मेटल्स इंडेक्स कैसे अपने लाइफ टाइम हाईस पे वापस आ गया जल्दी से। आपने बताई FMCG में बहुत शानदार काम हुआ, हमने देखा कि 4 बड़ी कंपनियों ने बैक टू बैक ये बात कही अपनी अर्निंग्स कॉल में, रिजल्ट्स के बाद, सॉफ्ट रिजल्ट्स के बाद भी, कि शायद वैल्यू आपके वैल्यू हिस्से में भी बाइंग आ रही है, रूरल में बाइंग आ रही है, ब्रिटानिया, अमेरिको, डाबर, HUL, आपको भी FMCG पसंद आता है, इसमें आपका आपकी जो लिस्ट है वो प्रेफरेंस वाइज सबसे ज़्यादा आपको सेटअप कहाँ बढ़िया नज़र आता है? देखिए पहले तो एक चीज देखना पड़ेगा कि FMCG पिछले 6 महीने से कंसोलिडेशन में था, उस सेक्टर ने कुछ नहीं किया उस जमाने में जहां हर कोई स्टॉक, हर कोई सेक्टर मार्केट में अच्छा कर रहा था। और हमने ये कोविड टाइम से देखा है कि हर सेक्टर का अपना एक जमाना होता है। एक बार था जब IT चलता था, फिर कैपिटल गुड्स ने इतना अच्छा मूव दिया, रियल एस्टेट मूव किया, मेटल्स हमारा फेवरेट रहा है 4 महीनों से और अभी भी काफी स्ट्रांग है। वैसे मुझे लग रहा है कि FMCG में एक बड़ी टर्न अराउंड है जो चार्ट्स में दिख रही है और फंडामेंटल्स में भी अब वो दिखने लगा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स का, ये मुझे कहता है कि यहाँ से 10 से 12% की मूवमेंट इंडेक्स में आ सकती है और इंडेक्स 60,000 तक जा सकता है, 58,000 उसका लाइफ टाइम हाई FMCG इंडेक्स का। और अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो ITC हमारा टॉप पिक है, क्योंकि मुझे लगता है कि खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए यहाँ पर 100 से 120 रुपए की तेजी आराम से आ सकती है। दिस विल बी फॉलोड बाय ब्रिटानिया, जिसकी चार्ट काफी अच्छी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो एक डार्क हॉर्स कैंडिडेट हो सकता है, और डाबर एंड मैरिको। सो सारे स्टॉक्स के सेटअप अच्छे हैं, कुछ ज्यादा अच्छे, कुछ कम अच्छे, बट इन इन सब शेयरों में अगर आपके व्यूअर्स खरीदारी करेंगे तो आई थिंक पैसा बनना चाहिए।